ये लड़की लगातार मेज पर अपनी उंगलियों को रगड़ती रहती है, जिससे जल्द ही उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये लड़की उसकी उंगली से निकल रहे खून पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि ये तो अपने टेस्ट पेपर पर लगातार कुछ लिखती रहती है। तभी अचानक ये लड़की अपनी उंगलियों को देखकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसी समय क्लास टीचर इस लड़की के टेस्ट पेपर को चेक करती है, जिसमें बार बार ये लिखा होता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अब इससे पहले कि टीचर कुछ समझ पाती, ये लड़की अपनी स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। कुछ समय बाद इस क्लास में एक नई लड़की आती है, जिस लड़की को इस क्लास का कोई भी बच्चा अपने साथ नहीं बैठाता है, इसलिए ये लड़की में खुद के लिए अलग से एक बेंच ले आती है। लेकिन इसे ये नहीं पता होता है कि ये बेंच उसी लड़की का था, जिसने कुछ समय पहले ही स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी थी। जिसे क्लास के दौरान हम देखते हैं कि ये लड़की भी हूबहू उसी तरह अपनी उंगलियों को बेंच पर रगड़ने लगती है, जिस कारण इसकी उंगलियों से भी खून निकलने लगता है।